हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सिखाऊंगा धागा सेट कैसे करें और टेंशन सेट कैसे करें। जी हाँ, आज की हमारी वीडियो जो बनी है वो धागा सेटिंग और टेंशन सेटिंग पे बनी है। तो आज मेरे साथ वीडियो में बने रहें और मैं आपको सिखाता हूँ। पहले सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ कि कपड़ा ले लेता हूँ, इसमें सिलाई लगाने के लिए। सिलाई लगा के मैं चेक करूँगा कि इसमें क्या दिक्कत है। सिलाई लग चुका है और मैं इसमें देखता हूँ क्या दिक्कत है। देखिए, ये ऊपर की सिलाई है और ये नीचे की। नीचे की थोड़ी दिक्कत है, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ चला के। अब देखता हूँ नीचे की सिलाई क्या है। देखिए, ये सिलाई में इस तरीके की जो दिक्कत होती है वो टेंशन के स्प्रिंग जो होता है, जिसे हम तार भी कहते हैं, टेंशन का तार और टेंशन का स्प्रिंग, उसके कारण होता है। तो मैं इसमें स्प्रिंग डालूंगा और आपको दिखाऊंगा स्प्रिंग डाल के सिलाई। तो जब भी कभी आपको इस तरीके की दिक्कत हो तो टेंशन का तार, जिसे हम टेंशन का स्प्रिंग भी कहते हैं, वो हम इसमें डाल लेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे डालते हैं इसका स्प्रिंग। सबसे पहले इसका नट खोल लीजिए, सारे पार्ट को निकाल के अलग कर लीजिए। उसके बाद आप स्प्रिंग लीजिए, यह है स्प्रिंग और देखिए स्प्रिंग है, और टेंशन का रॉड उठा लीजिए। इसमें एक कट होता है, ये जो कट दिख रहा है आपको, स्प्रिंग को इसमें फंसाना है। तो आइए मैं डाल के दिखाता हूँ स्प्रिंग कैसे लगता है। पहले तो आप इसको यहाँ पर रोक लीजिए और एक थाली उठाइए और इस तरीके से लगाइए। अब दूसरा थाली जो है इसके अपोजिट साइड इस तरीके से लगाना है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। उसके बाद जो है ये धागे वाला ये गाइड लगाना है, उसके बाद दूसरा गाइड लगाना है। दूसरा गाइड जो है इस गाइड के हॉल में लगेगा, इसका रॉड जो छोटा सा रॉड है, ये रॉड जो है इसमें लगेगा। अब ये देखिए स्प्रिंग हमारा काम करने लगा है। अब हम इसको जो है और भी जिसके पार्ट जो है, जैसे कि ये फूल है, ये फूल रख के स्प्रिंग रख के और नट को कस लेना है अच्छी तरीके से। नट कसने के बाद जो है स्प्रिंग चेक करेंगे हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारा स्प्रिंग बराबर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले पेंच को जो है, जब हम इसको लगा लेंगे तो बढ़िया से इसको कसना है टाइट से, ताकि जो है खुल नहीं पाए। क्योंकि मशीन जब चलती है तो काफ़ी तेज चलती है, बाजे मशीन मोटर पे चलती है, बाजे मशीन पैरदान पे चलती है, तो दिक्कत आ जाती है इसको। जैसे कि अगर आप फास्ट करना चाहें तो अप डाउन कर सकते हैं, जैसे कि मैं अच्छे से कर रहा था अभी, तो इसको कर रहे हाथ से टाइट कर लीजिए। उसके बाद ये दो पेंच है मत्थे के, मत्था रख के इन दोनों पेंचों को टाइट कर दीजिए। अब मैं सिलाई लगाने जा रहा हूँ और आप मैं दिखाता हूँ सिलाई कैसे दे रही है। अभी आपको मैंने दिखाया था शुरू में इस सिलाई इसकी कैसी आ रही थी, और अब चेक करते हैं। देखिए, स्प्रिंग जो है बराबर काम कर रहा है धागे पे। और अब मैं ले लेता हूँ कपड़ा और मैं आपको चेक कराता हूँ। जी देखिए, पहले वाला सिलाई जो है मैं आपको दिखाता हूँ चलूँ इसी वीडियो में। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो और भी लोगों को शेयर कर लें, ताकि अगर किसी को इस तरीके की दिक्कत हो तो वो दिक्कत दूर हो जाए। तो आइए मैं सिलाई लगा के दिखाता हूँ आपको कि इसकी सिलाई अब किस तरीके से चल रही है। तो देखिए, जैसे कि मैंने जो है सिलाई लगाने के लिए मशीन चालू कर दिया, और देखिए ये सिलाई लगा दिया मैंने। तो ये आपके जो है ये ऊपर की सिलाई है और ये आपके जो है नीचे की सिलाई, ये बराबर है दोनों सिलाई। तो टेंशन की जो है ये दिक्कत होती है। तो वीडियो देखने के लिए अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा